63 किलोमीटर की भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से चला है। इसमें 20 किलोमीटर तक रेलवे लाइन की सुरंगों और पुलों के कार्य को दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 20 किलोमीटर रेलवे लाइन में सभी 7 सुरंग आर पार हो चुकी हैं और सुरंगों का 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। ये जानकारी उपायुक्त पंकज राय ने दी। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के तहत निर्मित किए जा रहे विभिन्न पुलों व सुरंगों का मौके पर जाकर रेलवे के अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति का निरीक्षण किया गया। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 0 से 45 किलोमीटर तक भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। लाइन जो भानुपल्ली से बेरी तक है उसकी लंबाई जो है 63 किलोमीटर है, जिसमें पहले 20 किलोमीटर में लगभग 10 किलोमीटर पंजाब में है और 10 किलोमीटर हिमाचल में है। इन 20 किलोमीटर में लैंड क्लियरेंस हो चुकी है और इसमें काम चल रहा है। इसमें 7 टनल हैं और 4 टनल जो है वो हिमाचल में है और 3 टनल पंजाब में है। तो कल हमने इसका दौरा किया था और इसमें काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और इसमें ब्रिजेज भी आ रहे हैं, कुछ मेजर ब्रिजेज हैं, कुछ स्मॉल ब्रिजेज हैं और कल रेलवे के अधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित थे। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक ये जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये ब्रिजेज का और टनल्स का ये पूरा हो जाएगा। 20 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक, या मैं कहूँ 0 से 45 किलोमीटर तक लैंड की एक्विजिशन हो चुकी है, एक्सेप्ट जब्बल, वहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है टनल का और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31 जुलाई तक बिलासपुर तक सारी लैंड एक्विजिशन कम्प्लीट हो जाएगी और 52 to 63 जो बचेगा, जो बिटवीन बिलासपुर एंड बेरी बचेगा 11 किलोमीटर के लगभग, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस ऑलरेडी मूव हो चुका है और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जारी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर तक हम उसकी क्लियरेंस भी दे पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।